तो आज हम देखेंगे कि एक्सीडेंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। पहले हम जानते हैं एक्सीडेंट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशंस मैं इस पर लिख देता हूँ। इट इज अ अनप्लान्ड, या कह सकते हैं हम अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच मे और मे नॉट रिजल्टिंग इंजरी डैमेज प्रॉपर्टी लॉस और मे कॉज डेथ। तो ये है डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंट। अब हम देखेंगे टाइप्स। हम देखेंगे इसके टाइप्स बेस्ड ऑन सेवेरिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड डिग्री ऑफ इंजरी। तो जो फर्स्ट टाइप है इसका, मैं आपको बता दूंगी इसके टोटल होते हैं 9 टाइप्स, जिसमें से हम एक एक कर कर देखते हैं। जो फर्स्ट टाइप है इसका वो है माइनर। इस सब की क्या गया एक्सीडेंट एक्सीडेंट आप लगा लीजिएगा, इतनी जगह नहीं है यहाँ पर। तो माइनर एक्सीडेंट वो होता है जो वर्कर को 48 घंटे से कम समय में वापस अपने वर्किंग स्थल पर लेकर आ जाए। ऐसा एक्सीडेंट जिस एक्सीडेंट के होने के बाद जो वर्कर है, जो उस एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ है, वह 48 आवर्स के अंदर अंदर वापस अपने वर्किंग एरिया पर लौट सकता है। इस माइनर एक्सीडेंट में हमें रिपोर्टिंग टू हायर मैनेजमेंट नहीं करनी होती है। हम देखते हैं सेकेंड रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या होता है, जिसमें एक्सीडेंट होने के बाद जो वर्कर इंजर्ड हुआ है वो 48 आवर या उससे ज्यादा समय तक अपने वर्किंग प्लेस पर दोबारा नहीं लौटता है। इस एक्सीडेंट में हमें रिपोर्टिंग टू हायर मैनेजमेंट करना होता है।
ठीक है ना। ये दो तो आई होप आपको अच्छे समझ में आएंगे। तीसरा देखिए, तीसरा टाइप है फेटल एक्सीडेंट। जानते फेटल एक्सीडेंट क्या होता है? फेटल एक्सीडेंट वो होता है ऐसा एक्सीडेंट जिसमें इंजर्ड हुआ एम्प्लॉय या वर्कर को डेथ भी हो सकती है। मतलब रिजल्ट इनटू डेथ ऑफ एम्प्लॉय वर्कर जो भी है। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसे एक्सीडेंट में वर्कर या एम्प्लॉय की डेथ हो सकती है तो इसमें जो लीगल बॉडीज है आपकी कंपनी की या फिर पुलिस इन्वॉल्व होगी। देखते हैं फोर्थ। फोर्थ होता है एक्सीडेंट ड्यू टू डेंजरस ऑक्यूरेंस। ऐसे एक्सीडेंट जो डेंजरस जो ऑक्यूरेंस होते हैं उसके कारण होते हैं। जैसे डेंजरस ऑक्यूरेंस में बता देता हूं, जैसे एक्सप्लोजन, फायर, अगर केमिकल या ऐसी गैस इंडस्ट्री है तो उसके लीकेज। इसमें मैन और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस होता है। आई होप आपको यह चारों समझ में आए होंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं फिफ्थ। फिफ्थ है इंटरनल एक्सीडेंट। ऐसे एक्सीडेंट जिसमें वर्कर या एम्प्लॉय को हुई इंजरी एक्सटर्नल साइन शो नहीं करती है, जैसे फ्रैक्चर्ड। अगर किसी को किसी भी हाथ की या पांव की बोन हड्डी फ्रैक्चर हुई है तो वह इंटरनल एक्सीडेंट के अंदर आता है। सिक्स्थ एक्सटर्नल। ऐसी इंजरी एक्सटर्नल एक्सीडेंट वो होते एक्सीडेंट में होने वाले वर्कर या एम्प्लॉय को जो इंजरी हुई है वह एक्सटर्नल शाइन शो करे। अब बढ़ते हैं अगले सेवंथ मेजर इंजरी। मेजर इंजरी वह इंजरी होती है जिसमें हुए एक्सीडेंट में एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ वर्कर या एम्प्लॉय जो भी आप कहे। इसके बाद आता है एट टेम्पररी एक्सीडेंट। जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा टेम्पररी एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट में हुई इंजरी वह किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो। जो इंजरी हुई है वह डिसेबल हो जाए विथिन शॉर्ट पीरियड। हम कह सकते हैं
इन अ डे, इन अ वीक, मतलब बहुत जल्दी। इसके बाद नाइन्थ एंड द लास्ट होती है परमानेंट। इसमें जो इंजरी होती है वर्कर या एम्प्लॉय को, वह वर्कर को अफेक्ट करती है। इंजरी अफेक्ट वर्कर फॉर एवर, हमेशा। आई होप आपको यह सभी समझ में होगा। एक्सीडेंट एंड टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट बेस्ड ऑन सेवेरिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड डिग्री ऑफ इंजरी, मतलब कितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, और डिग्री ऑफ इंजरी, इंजरी का प्रकार क्या है, किस तरह की इंजरी हुई है। तो चैनल से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।